पवित्रों और विशेष रूप से हमारे मसीहा के वंशजों को नमन करते हुए यहाँ उपस्थित सभी को राखी रावण का नमो उदय जय भीम। आज बाबा साहेब के बोधम के ऊपर बहुत सारी बातें राज रतन जी ने बोली और बहुत अच्छी बोली, लेकिन एक बात मैं बाबा साहेब की यहाँ बोल कर जाऊंगी कि आखिर बाबा साहेब ने नागपुर को ही बोधम का दीक्षा केंद्र क्यों बनाया, आखिर इसके पीछे कारण था, जिन नागों को सांपों से जोड़ दिया गया आखिर इसका इतिहास क्या है ये हमें जानना होगा, हमारा इतिहास क्या है ये हमें जानना होगा। बाबा साहेब ने हमें बताया कि नाग जाति के जो लोग थे वो हमारे पूर्वज थे और वो बौद्ध थे, लेकिन इन मनुवादी व्यवस्था के तहत जिसमें शेष नाग जो आज भी तुम्हें विष्णु के ऊपर मिलता है, आज भी देखना कहीं पर उसकी फोटो उसके फन को फैला कर खड़ा कर दिया है, और ये माखन छोर रासलीला करता कन्हैया इसके सर पर जो फन बैठा दिया है ये किसके हैं? शेष नाग, नाग और भी बहुत सारे नाम थे जो हमारे नाग जाति के लोग थे, हमारे नाग पूर्वज थे, बुद्धिस्ट लोग थे, मनुवादियों को ये भा नहीं रहे थे, पूरे भारत को बौद्ध में बनाने का काम कर रहे थे, लेकिन ब्राह्मणवादियों ने उन नागों को पकड़ा, उन बौद्धों को पकड़ा और षड्यंत्र के तहत बहुत बड़ा हमने कुंड बनाया और उस हवन कुंड में उन नागों की आहुति दी गई, लेकिन गलती से एक नाग हमारे पूर्वज बच गए और बाबा साहेब ने कहा कि हम उसी नाग की औलाद हैं, ये नाग कोई सांप नहीं है, हम वीर जाति हैं, हम बौद्ध जाति हैं, लेकिन बाबा साहेब का एक मैसेज देकर मैं अपनी बात को, क्योंकि माइक मैंने जबरन खींचा है, उनकी माफी को भी दंडग्रहण कर दिया है, इसलिए केवल बाबा साहेब की एक बात कहकर अपनी बात को खत्म करती हूँ कि बाबा साहेब ने 1935 के अंदर घोषणा की कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ ये मेरे वश की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू रहकर मरूंगा नहीं ये मेरे वश की बात है। इस बात से पूरे भारत के अंदर तहलका मच गया, सारे धर्मों के लोग बाबा साहेब के पास आने लगे और वो कहने लगे, विनती करने लगे, मुस्लिम आने लगे, सिख आने लगे, ईसाई भी आने लगे और हिंदुओं की तो बात ही मत करो, इन्होंने कैसे कैसे प्रलोभन बाबा साहेब को दिए। उनमें से एक निजाम हैदराबाद भी थे, उन्होंने कहा बाबा साहेब आप मुस्लिम धर्म को ग्रहण कर लो, मैं आपको अपनी आधी रियासत का राजा बना दूंगा और कई बोरे नोट आपके चरणों में डाल दूंगा, आपकी आने वाली पीढ़ियां बैठी बैठी खाए जाएंगी, उनके पास धन दौलत की कोई कमी ना होगी, लेकिन आप हमारे मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लो। बाबा साहेब ने कहा कि कितने बोरे नोट लेकर आए हो? 2 बोरे, 4 बोरे, 6 बोरे। अरे मेरे लोगों की, मेरे बच्चों की जनसंख्या भारत के अंदर कितनी है? 7 करोड़ थी उस टाइम, 7 करोड़ लोगों के कीमत लगाते हो ये 2 बोरे, 4 बोरे, 6 बोरे नोट जिनके हिस्से में आएंगे 3-4 रुपए, 6-4 रुपए, तो क्या तुम्हारी नजरों में मेरे बच्चों की कीमत, मेरे लोगों की कीमत 4-6 रुपए है? मैं ठोकर मारता हूँ तुम्हारी आधी रियासत को, इन नोटों को, और मैं अपने बच्चों को वो उन्नति का मार्ग देकर जाऊंगा, वो उन्नति का रास्ता देकर जाऊंगा, वो सच्चा धर्म देकर जाऊंगा जिसमें उन्हें कोई क्या नहीं कहेगा, कोई चूड़ा चमार नहीं बोलेगा, कोई राक्षस नहीं बोलेगा, कोई चंडाल नहीं बोलेगा। और वो रास्ता कौन सा था? वो बौद्ध धर्म था। और बाबा साहेब जो हमें मैसेज देकर गए वो 1935 का आपके अंदर अगर जरा भी सम्मान है तो 1935 का मैसेज बाबा साहेब का पढ़ना और वो मैसेज हमारे समाज के लिए क्या है। 1935 में लाहौर के अंदर बाबा साहेब का जात पात तोड़क मंडल के जो अध्यक्ष थे संत राम बीए जी, उन्होंने एक अधिवेशन कराया लाहौर के अंदर, हमारे मसीहा को वहां बुलाया गया, बाबा साहेब ने हाँ बोल दी कि ठीक है मैं आऊंगा, लेकिन कि जाति तोड़ने का काम कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो। लेकिन क्या हुआ, जब संतराम बीए जी बाबा साहेब को प्रेसिडेंट बुलाकर वहां बुला रहे थे तो संतराम बीए जी के कार्यकर्ता जो दूसरे थे उन्होंने कहा संतराम जी आप बाबा साहेब को बुला तो रहे हो लेकिन क्या बाबा साहेब के बारे में कुछ जानते हो? बाबा साहेब के बारे में जानते हो? तब संतराम बीए जी ने कहा कि मैं जानता हूँ बाबा साहेब किसके लिए काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं,
लेकिन उन्होंने जो कहा कि आप ये नहीं जानते बाबा साहेब क्या बोलते हैं, किस वर्ण व्यवस्था के खिलाफ बात करते हैं, और आपके लिए अच्छा होगा कि बाबा साहेब के भाषण की एक कॉपी मंगा लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि बाबा साहेब क्या बोलने वाले हैं। संतराम पीए जी ने बाबा साहेब से कहा कि बाबा साहेब अपने भाषण की 1.5 घंटे का भाषण वहां बाबा साहेब का होना था। संतराम पीए जी ने कहा कि बाबा साहेब अपने भाषण की एक कॉपी हमें भेज दीजिए। बाबा साहेब ने कहा कि ठीक है। जब संतराम बीए जी ने वो कॉपी पढ़ी तो संतराम बीए के पैरों के तले की जमीन निकल गई। आखिर उस भाषण के अंदर क्या था? उन्होंने कहा, रिक्वेस्ट की हमारे मसीहा से, उनके पैरों में आ गए और मसीहा से रिएक्ट किया, रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की कि साहब आप 1.5 घंटे के बदले 2 घंटे बोलना, और आपका जैसा भाषण है वैसा का वैसा ही सारा बोलना, लेकिन एक लाइन उस भाषण में से हटा देना और वही लाइन में आपको बोलकर इस बौद्ध धर्म के लिए प्रेरित करके जाऊंगी। वो लाइन कौन सी थी उसे जरा ध्यान से सुनना। ए मेरे समाज के लोगों, जिस लाइन की बात बाबा साहेब कर रहे थे, तो बाबा साहेब ने संतराम बीए जी से कहा कि संतराम बीए जी, मेरा भाषण हो या ना हो, सम्मेलन हो या ना हो, मैं इस बात की परवाह नहीं करता, लेकिन आप तो एक लाइन हटाने की बात करते हैं, उस भाषण में से एक कोमा मात्र भी इधर से उधर नहीं होगा। और वो लाइन कौन सी थी? वो लाइन थी, ए मेरे समाज के नौजवानों, नौजवानों में महिला पुरुष बच्चे सब आ जाते हैं, ए मेरे समाज के नौजवानों, जिस दिन तुम्हारा सम्मान और स्वाभिमान जाग जाए, उस दिन ग्रंथों को बमों से उड़ा देना। ये बाबा साहेब की लाइन थी। जिस दिन तुमने इस लाइन को अपने दिमाग में बैठा लिया, तो बौद्ध धर्म का बाबा साहेब का संकल्प अवश्य पूरा होगा। होगा या नहीं होगा, तो आज जो यहां दीक्षा लेकर जा रहे हो, यही संकल्प करो कि कुछ भी हो जाए, हम दूसरों से नहीं तो अपने समाज से, अपने घर से इन हिंदू धर्म ग्रंथों को बम से उड़ा कर रहेंगे, इस मनुवाद को उड़ा कर रहेंगे। इसी के साथ राखी रावण का माफी चाहती हूँ, क्योंकि एक लाइन होती है, बहुत अच्छा, बोल वही चुन पाते हैं, क्योंकि मुझे माइक तो दिया नहीं इन्होंने, तो वही बोल रही हूँ, बोल वही चुन पाते हैं जो कांटों से टकराते हैं, और मांगे से हैं कुछ नहीं मिलता, अधिकार तो छीने जाते हैं, अधिकार तो छीने जाते हैं। इसी के साथ, और मैं और श्रद्धेय डॉक्टर डीबीएस सहरा जी गांव-गांव जाकर भीम ज्ञान चर्चा, और बहुत कम खर्चा, क्योंकि ना हमें टेंट की जरूरत होती, ना माइक की जरूरत होती, ना कुर्सियों की जरूरत होती, हम अपने समाज को बाबा साहेब के मिशन के लिए, बाबा साहेब के बलिदान के लिए, बाबा साहेब ने जो हमें अधिकार दिए उन्हें बताने के लिए, जगाने का काम कर रहे हैं। तो जिन्हें भी हमारी आवश्यकता हो, पूरे भारत के अंदर इस राखी रावण को जाना है, आपके सामने कह के जा रही है, हर मंच के ऊपर कहती है।